माता लक्ष्मी के एकदम विपरीत है उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी। जानिए उनके स्वरूप के बारे में। अलक्ष्मी देवी माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है। उनका अवतरण भी समुद्र मंथन के दौरान ही हुआ था। शास्त्रों में अलक्ष्मी माता का स्वरूप जगत जननी माता लक्ष्मी से एकदम विपरीत बताया गया है। अलक्ष्मी को माता लक्ष्मी की बड़ी बहन माना जाता है और उन्हें दुर्भाग्य की देवी कहा जाता है, इसलिए उनकी तस्वीर कहीं नहीं लगाई जाती। माना जाता है कि उनका प्रादुर्भाव भी समुद्र मंथन के दौरान ही हुआ था। दुर्भाग्य की देवी है माँ अलक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था, लेकिन उनसे पहले माता अलक्ष्मी अवतरित हुई थी। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय कालकूट के बाद इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इनका रूप माता लक्ष्मी से एकदम विपरीत था। इन्हें दुर्भाग्य की देवी माना जाता है, इसलिए माता अलक्ष्मी की तस्वीर नहीं लगाई जाती। माता अलक्ष्मी प्रादुर्भाव के समय ये वृद्धा थी। उनके बाल पीले, आँख लाल और मुख काला था। समुद्र से निकलने के बाद देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का चयन किया, जबकि माता अलक्ष्मी ने असुर शक्ति की शरण ली, इसलिए इनकी गिनती रत्नों में नहीं की जाती। इनके प्रादुर्भाव के समय देवताओं ने कहा था कि जिस घर में कलह होगी तुम वही निवास करोगी और हड्डी, कोयला, केश और भूसी में तुम्हारा वास होगा। कठोर असत्यवादी, बिना हाथ मुंह धोए संध्या समय भोजन करने वाले तथा अभक्ष्य भक्षियों को तुम दरिद्र बना दोगी। कैसे बचा जाए अलक्ष्मी से? जिन घरों में धन हानि, कलह, कलेश रहता है, वहां माता अलक्ष्मी का प्रभाव होता है। अगर अलक्ष्मी से घर को बचाना है तो साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि तब घर में लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ माता लक्ष्मी होती है वहाँ अलक्ष्मी नहीं होती। छोटी दिवाली के दिन घर का कबाड़ बाहर निकाला जाता है, साफ सफाई की जाती है। दरअसल ऐसा करके अलक्ष्मी को घर से बाहर भेजा जाता है, ताकि दीपावली के दिन लक्ष्मी माता घर में पधार सके। कबाड़, टूटे फूटे कांच या धातु के बर्तन, किसी प्रकार का टूटा हुआ सजावटी सामान, बेकार पड़ा फर्नीचर आदि को नरक के समान समझा जाता है। हर छोटी दिवाली पर यह कबाड़ घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल सात्विक नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।